हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो है लास्ट वीडियो में प्रेशर के बारे में स्टडी किया था। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक यूनिट एरिया है, सपोज वी हैव अ यूनिट एरिया। हमारे पास ये इतना सा एरिया है, ये 1 यूनिट स्क्वायर एरिया है। मीन्स अगर इसका लेंथ 1 मीटर होगा, इसकी ब्रेथ भी क्या होगी? 1 मीटर होगी। तो अगर हम जो है 1 यूनिट स्क्वायर एरिया पे जो है फोर्स, जितना भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? प्रेशर। वो उसमें जो है प्रेशर में काउंट होगा। ठीक है, आगे जो हमने पढ़ा था, जो प्रेशर होता है वो लिक्विड और गैस जो है किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसके बारे में हमने जो स्टडी किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, वो है एटमोस्फेरिक प्रेशर। मीन्स जैसे हम जो है हमारे इन्वायरमेंट में, हम जो है चारों तरफ से जो है एयर से घिरे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे एयर हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, ये सब जो है हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं। जैसे लिक्विड और गैस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, सेम उसी तरह जो है जो हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, वो भी जो है सभी ऑब्जेक्ट पे जो है प्रेशर अप्लाई करती है। ठीक है, अब उनका जो है बिहेवियर किस तरह से होता है, हम जो उसके बारे में इस जो है पूरे टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, वी नो दैट देयर इज एयर एयर ऑल अराउंड अस। दिस इनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमोस्फियर। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है, जितने भी सारे एयर के जो कंपोनेंट हैं, जैसे CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो सभी जो है एक हमारे चारों तरफ एक एनवलप फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो है उसी एनवलप को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर बोलते हैं। अब सारी गैसें जो है मिलके हमारे ऊपर, या जो भी सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, सब पे जो है वो प्रेशर अप्लाई करती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एग्जाम में जो पूछ लेता है व्हाट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो आप लोग जो यहाँ से डिफिनेशन उसकी लिख सकते हैं। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई दिस एयर इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कौन सी एयर? जो एयर हमारे चारों तरफ जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, अगर वो हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब इसको जो है समझने के लिए हमने जो यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, अब एक्टिविटी कौन सी है इसको हम लोग देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमने जो है एक रबर सकल लिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हम जो यहाँ पे ये पता करेंगे जो है कैसे जो एटमोस्फियर है हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, हमें जो है एक रबर सकल लेना है। ठीक है, अब ये रबर सकल क्या होता है? ये जो है एक स्मॉल रबर कैप की तरह होता है, और जिसके अंदर क्या होगा? खाली होता है, वो अंदर से जो है हॉलो होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये रबर सकल है। अब ये क्या है? अंदर से पूरा ये खाली है। ठीक है, अभी ये नॉर्मल कंडीशन में क्या है, इसमें एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, लेकिन अब अगर हम जो है किसी किसी जो किसी तरीके से जो इसके अंदर की जो एयर है, इसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल दें, तो क्या होगा? ये जो है एक यहाँ पे एक वैक्यूम बन जाएगा। मीन्स उस पूरे एरिया में जो है कोई भी एयर के मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, देखिए, जब हमने जो है रबर सकल ले लिया, उसको हमें जो है एक प्लेन सरफेस पे उसको रख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, उसको हमने जो है जो इसका ये ऊपरी वाला पार्ट है, उसको हमने जो है प्लेन सरफेस को टच करते हुए यहाँ पे रख दिया। अब वो क्या होगा, अगर इसको जो हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं, ओके, जो हमने रबर सकर यूज किया है, इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, तो जहां जहां ये सरफेस से टच होगा, ठीक है, अब इस पूरे एरिया में ये सरफेस से टच हो रहा है, तो यहाँ का जो एयर के पार्टिकल होंगे, जो उसके कांटेक्ट में होंगे सरफेस और रबर के बीच में, ठीक है, अब वो सारे एयर के पार्टिकल क्या हो गए, वहां से दूर चले गए, उन जो है दोनों सरफेस के बीच में, मीन्स जो ये सरफेस है और जो रबर का सरफेस है, दोनों के बीच में कोई एयर के पार्टिकल नहीं है। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, अब अगर हम जो है इसको उठाते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा, अभी आसानी से जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट नहीं होता है, तो हमें जो है कुछ ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है,
अब यहाँ पे क्या ऐसा जो है, कौन सी यहाँ पे कौन सा फोर्स आ गया जिसकी वजह से जो है ये ऊपर की तरफ आसानी से उठ नहीं रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो क्या होता है, वहां पे जो यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे काम करता है। अब क्या हुआ, जो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस था, जहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा था, ठीक है, सरफेस और रबर के बीच में, वहां की एयर सारी क्या होगी, वहां से दूर चली गई। तो वहां पे क्या हो गया, एक तरह का वैक्यूम बन गया। तो जो ऊपर से एयर, जो ऊपर की तरफ एयर प्रेजेंट है, वो जो है इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हमको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया पे जितना भी फोर्स अप्लाई होगा उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो प्रेशर की तरह से क्या है, फोर्स ये तो है, जब ऊपर से प्रेशर लग रहा है तो मतलब ऊपर से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अब ये क्या होगा, हम जो इसको आसानी से ऊपर की तरफ उठा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है वो किसकी वजह से है, इसी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, जो यहाँ पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो है एक और एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझा रहा है कि जो है, अब जो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे अप्लाई हो रहा है वो अमाउंट में कितना हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हमें जो है प्रेशर को, कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो हमें वहां पे जो है एक यूनिट एरिया वहां पे एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डिफिनेशन क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम जो है एरिया को अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा एरिया क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, तो फोर्स प्रेशर क्या होगा, फोर्स के इक्वल होगा, मीन्स जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जो है हमको प्रेशर को निकालने के लिए हमें जो है एरिया, जो हमारा एरिया होता है उसको हमको 1 यूनिट जो है कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर हमारा एरिया 1 हो गया तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप लोग पढ़े हैं इसको, जो फोर्स अर्थ के कारण लगता है, मुझे इस मतलब जो है अर्थ जो है सारे ऑब्जेक्ट पे जो है एक फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, अट्रैक्ट करती है। जो फोर्स अर्थ की वजह से जो लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अगर हमारा एरिया 1 यूनिट होगा तो जितना फोर्स लग रहा है अर्थ के कारण, ठीक है, ड्यू टू अर्थ जितना फोर्स लग रहा है वही क्या होगा, प्रेशर के इक्वल होगा। क्योंकि अगर हम ये हमारा 1 हो गया तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, मतलब जितना ग्रेविटी का फोर्स लगा उतना ही क्या होगा, प्रेशर होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जिसको ध्यान देना है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसको। नेक्स्ट है, अब एक यहाँ पे जो है क्वेश्चन राइज होता है, जैसे जब जो है जो हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है वो सभी जो ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करती है, तो हमारे ऊपर भी उसका प्रेशर फील होना चाहिए, लेकिन हम जो है कोई भी प्रेशर अपने ऊपर फील नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब देखिए इसका रीजन क्या है, हमारे ऊपर जो है कोई भी प्रेशर, कोई भी या फोर्स जो है हमको अप्लाई होता हुआ फील नहीं होता है, इसका रीजन क्या है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई बॉय है, ठीक है, अब ये जो है अपने ऊपर जो है कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अब उसमें क्या है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर उसमें एयर प्रेजेंट है तो वो जो है एयर, मतलब वो क्या है, एटमोस्फियरिक एयर है, ठीक है, पूरे एटमोस्फियर की एयर है वहां पे। तो वो जो है, हमको पता है कि जो एटमोस्फेरिक होती है एयर होती है वो एक तरह से प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक है। तो वो जो है इसके हेड पे भी प्रेशर अप्लाई होना चाहिए था। अब वो प्रेशर क्या होता है, अप्लाई होता भी है, ठीक है, वो रियल में जो है प्रेशर अप्लाई होता है, पर वो हमको फील नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना ये प्रेशर जो है ये हमारे ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है, हमारी बॉडी भी जो है उतने ही जो है प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बॉडी का प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ये जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो हमें जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमें जो है कोई भी फील यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, चलिए आगे देखिए।
यहाँ पे एक एक कुछ जो यहाँ पे डाटा दे रहा है, ठीक है। सपोज कर लिए यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है, ठीक है। अब वो एरिया कितना देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमोस्फेरिक एंड एरिया 15 × 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास एक एरिया है जिसकी लेंथ और विड्थ कितना है, 15 × 15 है, ठीक है। सपोज करिए हमारा एरिया हो गया, इसकी लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर और विड्थ हो गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता करना है कि जो है इतने एरिया पर, अब एरिया आप लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एरिया निकलता है। तो ये हमारा लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया, तो टोटल एरिया कितना हो गया। अगर हम एरिया की बात करूं मैं तो 15 × 15 मतलब कितना हो गया, 225 सेंटीमीटर की पावर 2, इतना एरिया हो गया, ठीक है। अगर अब हमें पता करना हो जो है इतने पूरे एरिया पे कितना प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पे एक रफ डाटा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे द फोर्स ड्यू टू एयर इन द कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमोसफियर एंड एरिया 15 × 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 किलोग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास कोई एरिया है जिसकी लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर है और विड्थ कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर हमें पता करना हो जो है इस पूरे एरिया में कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अब वो प्रेशर कितना होगा, ठीक है, वो जो है एक ऐसे ऑब्जेक्ट के मास के इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा जिसका मास कितना होगा, 225 किलोग्राम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 225 किलोग्राम है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। अगर हमारा ये क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। अगर हमें पता करना हो इस पूरे एरिया पर कितना प्रेशर अप्लाई होगा, तो वह जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा एक ऐसे ऑब्जेक्ट के मास के, ठीक है, जिसका मास कितना हो 225 किलोग्राम हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है, mg होता है, ठीक है। मीस m मतलब कितना हो गया 225, और g की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे 10th क्लास में, ठीक है। अब इसको बस ऐसे ही जान लीजिए, यहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने जो है f इज इक्वल टू m में पढ़ा था, वैसे ही क्या होता है, f इज इक्वल टू m g होता है, ठीक है। ये g क्या हो गया, जो अर्थ की ग्रेविटी है वो यहाँ पे वो शो करता है, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया, एम इंटू जी, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2250 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हमारे पास इतना 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो उस पर कितना प्रेशर लगेगा, 2250 न्यूटन, ठीक है। अब ये प्रेशर कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये अगर ये हमारे ऊपर लगे तो हमको ये फील नहीं होता है, क्यों फील नहीं होता है, क्योंकि जितना प्रेशर ये लग रहा है ऊपर से एटमॉस्फेयर की तरफ से, उतना ही जो है प्रेशर हम भी, हमारी बॉडी भी जो है उस पे एग्जर्ट करती है। तो आपस में सभी क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, इसलिए हमको जो है उसका फील नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इस पर जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत लोग पूछ सकते हैं जो है कि हमारी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर फील क्यों नहीं होता है, ठीक है। क्या बताएंगे, जितना प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं, सॉरी, जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर अप्लाई करता है, ठीक है, सेम उतना है जो है प्रेशर जो है हमारी बॉडी भी जो है जनरेट करती है, तो एक दूसरे के दोनों कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इसका हमें फील नहीं होता है। फिर आगे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है जो है कि जो प्रेशर होता है वो कितना पावरफुल होता है, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया जो है, एक वैक्यूम पंप बनाया। वैक्यूम पंप क्या होता है जो है, ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में से जो है, ये जो जो वहां पे एयर प्रेजेंट होती है उसको जो है ये बाहर की तरफ खींच लेता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, कुछ इस तरह से सिलेंडर ये है, ये हमारा सिलेंडर है। अब ये खाली है तो इसमें क्या होगा, एयर पार्टिकल होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत सारी एयर प्रेजेंट होगी। तो अब ये
वैक्यूम पंप क्या करता है, ये जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इसमें से सारी एयर को बाहर खींच लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, ये इसमें वैक्यूम बन गया, मतलब इसमें जो है कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब जो है इन साइंटिस्ट ने जो है एक वैक्यूम पंप बनाया था ऐसा। अब उन्होंने क्या किया कि एक जो है स्फीयर ले लिया, ठीक है, एक जो है पूरा हॉलो स्फीयर ले लिया, उसको उन्होंने जो है दो पार्ट में कट कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक स्फीयर लिया, अब ये स्फीयर क्या था, हॉलो था, खाली था। ठीक है, इसमें पहले से जो है एयर प्रेजेंट थी, उन्होंने जो है इसको कट कर दिया, यहां से कट कर दिया। ठीक है, एक जो है इधर रोप लगा दिया, इसको रोप से कनेक्ट कर दिया रस्सी से, इधर भी जो है रोप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या किया, अब जो है इन्होंने जो है वैक्यूम पंप की हेल्प से जो है जो भी इसमें एयर प्रेजेंट थी, अब ये क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको जो है दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, पहले इसको कट किया, इसके बाद दोनों को आपस में फिर कनेक्ट कर दिया। अब कट करने के बाद फिर उसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें एयर फिल हो जाएगी, इसमें हवा भर जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जो है वैक्यूम पंप की हेल्प से जो है जो भी इसमें एयर प्रेजेंट थी, ठीक है, उसको जो है उन्होंने बाहर खींच लिया। ठीक है, वो सारी एयर क्या होगी, बाहर की तरफ निकल गई, अब क्या होगा, इसमें वैक्यूम बन गया। ठीक है, अब जो है उन्होंने कई सारे हॉर्स लिए, ठीक है, कुछ हॉर्स इस साइड लगा दिए, कुछ हॉर्स जो है इस साइड लगा दिए। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जो है इसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 8 हॉर्स इस साइड थे और 8 हॉर्स जो है राइट साइड में है, दोनों इसको जो है अपनी अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, ये दोनों जो है इसको पुल नहीं कर पाए, इसको जो है इस बीच में से ब्रेक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों के बीच में जो है इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि जो ये लोग फोर्स लगा रहे थे उस इससे ज्यादा ये लोग फोर्स नहीं लगा पाए। ठीक है, अब ये अलग कब होगा, दोनों जो हेमिस्फीयर है ये अलग कब होंगे, जब जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेयर से, वो क्या हो, इनकी द्वारा लगाए गए फोर्स से कम हो जाए, तभी ये हेमिस्फीयर दोनों क्या होंगे, आपस में जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ये सारी एक्टिविटी जो है क्या, जो इन्होंने जो है डिस्कवरी करी थी, ये पूरी जो है एक्टिविटी क्या शो कर रही है, कि यहाँ पे ये शो कर रही है जो है कि जो फोर्स होता है बहुत ही, फोर्स मीन्स जो प्रेशर है, ठीक है, वो जो है बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, अब वो प्रेशर जो है ओवरकम उसको हम लोग तभी कर पाते हैं जब हम उससे जो है ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए जो है इसमें जो है अब ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया, आगे जो है हम लोग की एक्सरसाइज है, ये सारी जो एक्सरसाइज हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।